एनसीईआरटी की किताब में अहमद को वीना के पत्र का मामला क्या सामने आया, बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी समेत अनेक हिंदू संगठन का विरोध कर रहे हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एनसीईआरटी का प्रतीकात्मक एक गधा बनाया गया है और उसका विरोध किया जा रहा है। यानी साफ तौर पर अब एनसीईआरटी का विरोध यहाँ कहीं ना कहीं किया जा रहा है। हिंदू रक्षक सेना इसके विरोध में आ गई है और साफ तौर पर कह रही है कि ये कहीं ना कहीं लव जिहाद जैसी गतिविधियों को बढ़ाने वाला है। आखिरकार क्या वजह है, क्यों आप इतना विरोध कर रहे हैं? देखिए, छतरपुर का जो एक स्कूल है जहां पर एनसीईआरटी पैटर्न की किताब में सिलेबस में ये लव जिहादी की चिट्ठी पाई गई, जिस चिट्ठी पर कहा गया कि तीसरी क्लास की बच्ची ने ये लिखा है कि अहमद तुम कैसे हो, मैं तुम्हारी रीना। इससे साफ दर्शता और झलकता है कि जिस तरह से छतरपुर में स्कूल में लव जिहादी कार्य करा गया है उसके लिए हिंदू रक्षक सेना चुप नहीं बैठेगी। आज हम उस चिट्ठी पर कालिख पोत कर प्रदेश सरकार से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि छतरपुर की उस स्कूल को सील करा जाए। जिला शिक्षा तो पूरे मध्य प्रदेश में पढ़ाया जा रहा है भाई, पूरे देश में पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए रोक हम करेंगे ना। हमारा हिंदू रक्षक सेना जहां जहां ये पढ़ाया जाएगा वहां वहां पर विरोध करेगा, स्कूल तोड़वाएगा, जिला शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई कराएगा और जो भी हिंदू विरोधी नीति या लव जिहादी कार्य करेगा। लेकिन ये कैसे पता, रीना मिश्रा है, रीना यादव है या रीना खान है या रीना ईसाई भी हो सकती है, सिख भी हो सकती है? ये तो लव जिहादी के लिए करा गया है, तो लड़की हिंदू, इसकी तो पुष्टि छतरपुर के स्कूल वाले भी कर रहे हैं। नहीं, एक ने चिट्ठी लिखी, शिकायत स्कूल वालों ने नहीं करी है। नहीं, स्कूल वालों ने पुष्टि करी है कि वो तीसरी क्लास की बच्ची उन्हीं के स्कूल की। विरोध कब तक जारी रहेगा? विरोध मेरा निरंतर जारी रहेगा जब तक प्रदेश सरकार एनसीईआरटी को आप ले आए आज ये बना के प्रतीकात्मक आप ले आए जो जी एनसीईआरटी का और ये छुट्टी का जी। हमने एनसीईआरटी का अधिकार इसीलिए लिया कि आज प्रदेश की शिक्षा में इस तरह के कृत्य करे जा रहे हैं, इससे हमारी आने वाली पीढ़ी पर क्या असर जाएगा, प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो एक सहज रूप में लिखी गई चिट्ठी कहीं ना कहीं लव जिहाद का रूप धारण कर गई है और लगातार इसका विरोध हो रहा है और लगता है यही है कि ये विरोध इस तरह से चल रहा है, अभी बहुत जल्दी शांत होने वाला नहीं है। एमपी ब्रेकिंग न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र के साथ भोपाल से वीरेंद्र शर्मा।